तुम्हें वो सीन याद है जब एनिस लॉबी में स्ट्रॉ हैट्स बस्टर कॉल से सरवाइव कर रहे होते हैं और उनका बचने का कोई उम्मीद नहीं रहता है, तभी वहाँ पे उनका सिप गोइंग मैरी आ जाती है और उन सब को बचा लेती है और अपने फ्रेंड्स के साथ एक लास्ट टाइम सेल करती है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और इमोशनल कैसे हुआ? आखिर वो एक सिपी तो था और उसके लिए हम लोग इतना इमोशंस लाए कैसे? वैसे तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो चलो आओ इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। तो यार ये चीज़ तब स्टार्ट होता है जब हमें मैरी को एज अ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, पर यार ये तब भी उतना आसान नहीं है क्योंकि कोई भी अचानक कोई नया कैरेक्टर आता है तो उसके बीच हमारे लिए जो फीलिंग्स होती है वो अचानक से नहीं बढ़ जाएगी, उस चीज़ को पहले से ही डेवलप करना पड़ता है। लेकिन गोइंग मैरी एज अ कैरेक्टर हमें बीच में दिखाया गया था, उससे पहले वो एक ऑब्जेक्ट था, तो यार उसके लिए हमारे लिए थोड़ा फीलिंग्स तो था ही क्योंकि हम लोग उसको शुरुआत से ही देखते आ रहे थे। जब भी मैरी सेल करती थी तब हमें यह पता चल जाता था कि हाँ अब हम लोकेशन चेंज करने वाले हैं, अब हमें एक नया आर्क देखने को मिलेगा। और हाँ, आर्क से याद आया, जब भी हम लोग किसी बड़े आर्क को कंप्लीट करते थे तब हमें एक छोटा सा ब्रेक देखने को मिलता था जहाँ पे स्ट्रॉ हैट्स रेस्ट कर रहे हैं अपने सिप में। और यार वो रेस्ट एक्चुअली में स्ट्रॉ हैट्स के लिए तो होता ही था, पर वो रेस्ट हमारे लिए भी होता था क्योंकि हम अब एक नए आर्क में जाने वाले हैं। और यार वो आर्क जो हम लोग जो कंप्लीट किए हैं पहले, वो आर्क का जो माइंड सेट है वो हमारे लिए होना चाहिए, उसको हमारे दिमाग में घुसना चाहिए। तो ये नहीं कि हम लोग एक पहले आर्क को कंप्लीट कर लिए हैं और हम लोग उसके तुरंत बाद ही एक दूसरा आर्क में घुस गए, और अगर ऐसा होता है तो यार जो पहले वाला आर्क है वो बिल्कुल बोरिंग और बकवास हो जाता। गोइंग मैरी उनके लिए सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल नहीं था, बल्कि वो उनके लिए एक घर था जहाँ पे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे, सोशलाइज करते थे। और यार यही सब चीज़ें आखिर में जाकर एक बॉन्डिंग मोमेंट बनाती है सिप के लिए और उनका क्रू के लिए। अब बात करते हैं मैरी के कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि मैरी का जो कैरेक्टराइजेशन है वो एक्चुअली कुछ नया नहीं है, बल्कि इस चीज़ को हम लोग एंथ्रोपोमोरिज्म बोलते हैं। मैं ये वर्ड दोबारा नहीं बोल रहा, ये बहुत ही मुश्किल है, जो भी हो, पर इसका मतलब क्या है? अगर मैं तुम्हें इसका एक बेसिक डेफिनेशन दूँ तो यार इसका मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट या फिर एक एनिमल में किसी ह्यूमन सोल या फिर वो एक ह्यूमन की तरह बिहेव कर पाएगा। अब यार इस चीज़ का इस्तेमाल आजकल के स्टोरी राइटर्स बहुत ही गजब तरीके से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल टॉय स्टोरी ले लो या फिर फाइंडिंग नीमो, वो सब भी इसी कैटेगरी में आता है। अब वापस वन पीस में आते हैं, तो यार मैं वो पहला बंदा नहीं हूँ जो कि गोइंग मैरी को एज अ कैरेक्टर बोल रहा है क्योंकि वो ज़िंदा है, लेकिन यार इस चीज़ को ओडा बहुत ही वियर्ड तरीके से समझाए हैं। अकॉर्डिंग टू ओडा, स्ट्रॉ हैट्स मैरी को इतना केयर और प्यार किए कि वो अपने आप ही ज़िंदा हो गई, जो कि बहुत ही अजीब लग रहा है सुनने में। लेकिन जब एनिस लॉबी में वो उस पूरे क्रू को बचाती है और जब उसका गुड बाय होता है, तब यार ये अजीबपना बिल्कुल मिट जाता है और एक इमोशंस में बदल जाता है। अब बात करते हैं प्लॉट के बारे में, क्योंकि हाँ मैरी ही की वजह से हमें वाटर सेवन और एनिस लॉबी आर्क देखने को मिला था। और यार ये आर्क वन ऑफ द बेस्ट आर्क में से एक है। इसमें हमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार कैरेक्टर पे फोकस किया गया था, और वो है यार फ्रैंकी, रॉबिन, उसॉप और ऑफकोर्स गोइंग मैरी, जो इस आर्क को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाता है और बहुत लोगों का तो ये फेवरेट आर्क है। अब मैरी का ख्याल तो पूरा क्रू रखता ही था, लेकिन सिर्फ दो ही लोग उससे इंटरेक्ट कर पाए थे, एक तो था उसॉप और एक लूफी। उसॉप स्काइपिया में विटनेस था कि मैरी खुद को रिपेयर कर रही है और वो उसका सोल को देख पाया था। हाँ भले ही वो उसको नहीं पता था कि वो कौन है, वो मैरी है या नहीं, पर बाद में ये सब समझ में आ जाता है। और लूफी के बारे में बात किया जाए तो वो मैरी से बात कर पाता है जब वो उसको लास्ट टाइम माफ़ी मांगता है कि वह उसका ख्याल नहीं रख पाया। वैसे मुझे स्काइपिया आर्क से ही लग रहा था कि इनका सिप चेंज होने वाला है। पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने स्पॉयलर्स नहीं लिया था तो मुझे मत बोलना कि तुम्हारे पास स्पॉयलर्स था। अब बात करते हैं कि मैंने क्या फिर रियलाइज़ किया, तो यार मैंने आगे जब देखा कि भाई जो प्लॉट चेंजिंग हो रहा है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था,
भाई सिप को वो लोग ऐसे जो कन्वर्ट किए थे ना, वो भाई माइंड ब्लोइंग था। और एट द एंड जो भी उसका जो एंड हुआ बहुत ही सेटिस्फाइंग था। अब यार हमें लास्ट में एक मिनी मैरी देखने को मिलती है जो कि सनी के साथ मैरी का सोल कैरी करेगी। तो हाँ यार वीडियो इतना ही था, मुझे पता है ये वीडियो 5 मिनट की बनी, मुझे माफ़ करना मैं बहुत ही आलसी हूँ। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना और मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस चीज़ के ऊपर। और अगर नहीं पसंद आई हो तो यार डिसलाइक भी कर सकते हो, बस एक लॉजिकल आंसर बता देना कि तुम लोग क्यों डिसलाइक कर रहे हो और मुझे क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।